तो जिस घड़ी का आप सबको इंतजार नहीं था वो घड़ी आ चुकी है। अक्षय कुमार का नया मूवी आ चुका है जिसका नाम है शर्फिरा, जो कि ऑफिशियली रिमेक है सूर्यराई पोत्रो का। जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखा डूब मरो जाके। ठीक है, अभी रिएक्शन देते हैं, अभी बाकी सब विचार रिएक्शन देने के बाद करेंगे। इंट्रो लगा दो भाई, तो फिर चालू करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। मेरा नाम वीर पात्रे है, मैं जलंधेश्वर के पास एक गांव से हूँ। मैं कर्ज तक कर्ज में डूबा हूँ, अगर भूल से भी पैसा आता है तो वो कर्जा देने में चला जाए। मुझे कुछ नहीं है तुम्हारे पास। आइडिया है, बिजनेस आइडिया। मिनिस्टर साहब अभी बिजी है, कल पक्का। सर मेरे पास आपके 100 कार्ड है। मैंने 1000 छापा है, आप एक बार मेरा प्रपोजल देख तो लीजिए। सर फोटो किसकी है, इधर हर जगह लगी हुई। परेश गोस्वामी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाई। अरे सीधे भी बात तक नहीं करते हो, 10 मिनट के लिए इसमें जाके दिखाते। हेलो सर, यू वॉन्ट टू स्टार्ट एन एयरलाइन? हिंदुस्तान की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन सर, अगर आप चाहें। अगर मैं चाहूँ तो पब्लिक टॉयलेट साफ करने वाले हमारे बगल में आके बैठे, मैं ले जाता। एयरलाइन चलाना बड़े लोगों का काम है, तुम घर जाओ और अपनी गाय भैंस चलाओ। कहाँ खेल, इतने बीच में अपनी छोटी सी चोट घुसा रहे हो, तुम करो। वो आम आदमी जो आप जेब में 1 रुपए लेकर भी उड़ने का सपना देख सकता है। 1 रुपए का फ्लाइट टिकट, क्या आप लोगों के जान की कीमत सिर्फ 1 रुपया? सर मुझे बस एक मौका चाहिए सर, सर मैं चाहता हूँ आम आदमी आसमान छू सके सर। फिर कहता है गांव वालों को प्लेन में बिठाएगा। हर पंछी जिसके पर होते हैं जरूरी नहीं कि वो उड़ सकता। वो जो कहता है करके दिखाता है। बिजली, मेडिकल फैसिलिटीज की तरह लो कॉस्ट एविएशन भी हमारी तरक्की के लिए जरूरी है। मैं आम आदमी के लिए सिर्फ कॉस्ट बैरियर नहीं, सड़क कास्ट बैरियर भी तोड़ना चाहता हूँ। देखो गाइस मैं क्या ही बोलूं भाई, देखो ये ट्रेलर तो भाई अच्छा लगा, क्योंकि डायरेक्टर ही सही में तो अच्छा लगे भाई। और अक्षय कुमार अपने वापस वही अपना जो क्या एयरलिफ्ट और बेबी जैसे अवतार में मतलब वापस आ गए। और लेकिन रीमेक है भाई, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अब क्या ही नया आपको क्या ही देखने मिलेगा, पूरा वही सेम टू सेम वही है। बस ऐसा लगता है कि एक्टर और एक्ट्रेस को चेंज करवा दिया है। राधिका मदान है ऑपोजिट मतलब एक्ट्रेस में, किसी एंगल से मतलब लग नहीं रहे कि वो उनकी पत्नी है, बाप बेटी का जोड़ी लग रहा है भाई। तो एक जो कैमियो दिखाया ना भाई सूर्या का, वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। बाकी तो भाई ट्रेलर तो भाई अच्छा ही है, ट्रेलर अच्छा है, लेकिन रीमेक करने की कोई जरूरत नहीं थी भाई। मैं भाई अगर ये मूवी अगर हिंदी में नहीं होती तो आप रीमेक बनाओ कोई बात नहीं, लोग देखने जाएंगे। इसका अच्छा खासा हिंदी डब भाई उड़ान के नाम से ऑलरेडी पड़ा है, बाकी उसमें अच्छे से हिंदी डब। और भाई उसमें सूर्या ने क्या काम किया है, वो जो एयरपोर्ट वाला सीन भाई आपको रुला के रख देगा भाई। वो जब वो छोड़ो यार भाई, मैं बता भी नहीं सकता। बाकी अक्षय कुमार के लिए तो भाई चैलेंजिंग रोल होने वाला है इसमें, वो वाला रोल तो शायद दिखाया नहीं ट्रेलर में, बाकी सब कट मार के दिखाया, लेकिन मजा आएगा देखने में। और बाकी सूर्या का कैमियो भी है, देखने के लिए मिल जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग हूँ। बाकी ट्रेलर तो अच्छा है, ठीक है। बाकी रीमेक नहीं करना था, रीमेक इज अ बैड चॉइस मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर इसका हिंदी डब नहीं होता तो आप बनाते तो मजा आता, देखने के लिए भी मजा आता। इसका हिंदी डब अच्छा खासा है और हम लोग इमोशनल कनेक्ट होके पड़े इस मूवी के साथ, उड़ान वाले मूवी के साथ। तो आप सबको कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन भाई कमेंट में लिखो। मेरा तो ये रहा, बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।